682 महिलाओं के फॉर्म भरे गए। महिलाओं में उत्साह का माहौल देखा गया। झाबुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव के अपने वचन पत्र में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान योजना प्रमुखता से लिया है। समूचे प्रदेश में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने का शुभारंभ पत्रकार वार्ता के साथ किया गया है। स्थानीय विधायक कार्यालय गोपाल कॉलोनी में पत्रकार वार्ता के पश्चात नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने कार्य कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उक्त योजना की कार्य योजना बना ली गई है। शीघ्र ही ग्रामीण अंचलों में पंचायतों के फलियों व नगर के प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर नारी सम्मान के फॉर्म महिलाओं के भरकर सूची बनाई जाएगी। वह जिला कांग्रेस द्वारा प्रत्येक विधानसभा में 50,000 नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पूरे जिले से 1.5 लाख फॉर्म भोपाल भेजे जाएंगे। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद जिले की प्रभारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रानका, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल, जसवंत भाबर, संभागीय कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फितवेल, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्वेता गंगा मोहनिया उपस्थित थे। इस अवसर पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला नेतृत्व की प्रमुख भूमिका रही है। कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की है, जैसे ICDS सबला गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, पौष्टिकाहार, विधवा पेंशन राशि दोगुनी की कांग्रेस सरकार जो कहती है वह करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये और गैस सिलेंडर 500 सरकार बनते ही देने का वादा किया है, जो वह पूर्ण करेंगे। प्रदेश की जनता सरकार की कथनी करनी का अंतर समझ चुकी है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के समय कई घोषणा करते रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं करती। आज कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 की प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी और रसोई गैस सिलेंडर 500 में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार महिलाओं को सालाना 25,000 रुपये की बचत होगी। पत्रकार वार्ता के पश्चात महिलाओं का नारी सम्मान योजना का फॉर्म सुश्री मीनाक्षी नटराजन, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, प्रकाश राका के द्वारा भरकर शुभारंभ किया गया। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। हमारी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी ने आप सबको बहुत अच्छी तरह से सारी योजना के बारे में बताया, जो समस्याएं बताई। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जो नारी सम्मान योजना है, ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है, जो हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने आज जिसकी शुरुआत करी है परासिया से। इससे हमारी बहनों को अधिकार मिलेगा, उनको सशक्तिकरण करने में बहुत मदद मिलेगी। जो सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपये प्रति महीना हमारी महिला बहनों को मिलेगा, साथ में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि आज महिला कितनी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई के कारण पूरा जितना भी बजट था हमारी महिलाओं का, वो पूरी तरह से चरमरा गया, बिगड़ चुका है। वही जो सिलेंडर की बात किए 300 रुपये में बात करते थे बीजेपी, वो 1200 पार हो गया है। पेट्रोल डीजल जबरदस्त महंगा हो गया है। आटा, दही, चावल, गेहूँ सब महंगा हो गया है। और ऐसे समय में अगर हम अपनी महिला बहनों को मदद नहीं कर सकते, तो ऐसे समय में सरकार में रहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उनकी जो लाडली बहना योजना पर उठता है, और जो उंगली उठती, और जो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि नारी सम्मान योजना से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो योजना लेकर आए हैं लाडली बहना, उसमें सबसे बड़ा जो उंगली उठती है, जो सवाल उठते हैं, 23 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए ही लेकर आए। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करता हूं, क्या 23 साल से नीचे की बहनें और 60 साल की ऊपर की बहनें उनकी बहनें नहीं है? क्या वो लाडली बहना में नहीं आती कि जो उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया? और इसमें बहुत सारे इतने सारे रुकावटें लगा दी है कि जो औसतन 4 करोड़ हम मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला है,
23 से 60 साल की जो उम्र की जो उनने लिमिट लगाई है, इसमें से 2 करोड़ महिलाएं बाहर हो जाती मध्य प्रदेश की, और बाकी जो उन्होंने उस पर अपवाद लगाए हैं उस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है उससे मुश्किल से 10 से 15% महिलाओं को ही लाभ मिल पा रहा है, बाकी सारी महिलाओं को इसका नुकसान हो रहा है, उनके फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे। आप जरा गांव में घूमे, अधिकारियों को पूरी तरह से लगा रखा है पर महिलाओं के फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है उसमें पक्षपात हो रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ झाबुआ जिले में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में चल रहा है, 2 मुद्दे चल रहे हैं। एक चल रहा है नल जल योजना का, जो 3-3, 4-4 करोड़ की टंकियां बनाई गई है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। एक भी टंकी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है, जबरदस्त कालाबाजारी चल रही है, जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है भाजपा के जो एजेंट बनकर जो इस पे काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार के लोग काम कर रहे हैं, 3 से 4 करोड़ की आपने टंकी तैयार करी और वो टंकी 1 से 1.5 साल तक चालू ही नहीं हो पाई क्योंकि कोई उसका स्रोत ही नहीं है, पाइप ही नहीं डले। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इसकी जगह अगर 1-1 लाख के हैंडपंप किए जाते तो हर पंचायत में हर घर पर एक हैंडपंप होता तो क्या हैंडपंप आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुचारू रूप से चल सकते हैं कि ये टंकियां चल सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही इनके मंशा पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। साथ में जो पीएम आवास योजना है उसमें 2.5 लाख रुपए ये शहरों में देते हैं और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, वही काटपीट कर 1,20,000 खाते में आदिवासियों के पहुंच पाते। तो मैं इनसे सवाल करता हूं क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है, इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? तो ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों करा जा रहा है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब 1.5 लाख में भी घर नहीं बन पाएगा, छत नहीं डल पाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे आप देखोगे ऐसे घर जिसमें दीवारें बन गई है पर छत नहीं डली, ये हकीकत है ग्रामीण क्षेत्र। और बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए, आप सबका अभिनंदन। जैसा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आपको भी बताया, पूरे प्रदेश में आज नारी सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा है। हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में इसको लॉन्च कर रहे हैं और हम सबके नेता इस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कई बार कर चुके माननीय कांतिलाल भूरिया जी आज इसको लॉन्च रतलाम से कर रहे हैं। और हमें ये सौभाग्य मिला कि झाबुआ में और अलीराजपुर में हम इसके संबंध में शुरुआत करें। नारी सम्मान योजना एक तरह से जो कांग्रेस की हमेशा से महिला सशक्तिकरण की नीति रही है, जिसके तहत सबसे पहले राजीव जी की ही पहल पर स्थानीय निकायों में जब उन्होंने 64वां संविधान संशोधन रखा तो 1/3 महिला आरक्षण की मांग की, जो कि कालांतर में फिर स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण के रूप में परिणत हुआ। जिस तरह से हम 33% आरक्षण के लिए विधानसभा और लोकसभा में भी प्रतिबद्ध हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कमलनाथ जी ने किसान कन्यादान योजना में राशि को बढ़ाया था हमारे 15 महीने के कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में, उसी तरह नारी सम्मान योजना में हमारी सम्मानित महिलाओं को, बहनों को मध्य प्रदेश में 1500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प किया है। कांग्रेस कभी घोषणा नहीं करती, कांग्रेस संकल्प करती है और कांग्रेस का ये संकल्प है कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी बात कि जो रसोई गैस की आज हम देखते हैं कि उज्ज्वला के नाम पर जो पहले तो दी गई और उसके बाद सारी तरह की सब्सिडी में कमी आई, बंद कर दिया गया, तो उसमें भी प्रति सिलेंडर 500 रुपये का हम रियायत देंगे। तो सब तरह से ऐसे देखा जाए तो साल में महिलाओं को 25,000 रुपये की बचत होगी और करीब 18,000 रुपये जो नारी सम्मान योजना है उसके अंतर्गत निधि के रूप में उनको मिलेगा। लगातार महंगाई के कारण कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह से महिलाओं को परेशान होना पड़ा है, घर का प्रबंधन, बाहर का प्रबंधन आमतौर पर महिलाएं करती हैं और ऐसे में जब इस तरह से कीमतें बढ़ती हैं तो उसका भी सबसे पहले जो
उसकी परिणति होती है, उसका सामना महिलाओं को करना पड़ता है, उसी को सोचते हुए नारी सम्मान योजना लागू किया गया। आज जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, तो हम सब जानते हैं कि आज महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश बहुत दुख के साथ, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि नंबर वन हो चुका है। जिस तरह से बालिकाओं का ड्रॉपआउट रेट बढ़ा स्कूल से कोविड के बाद, और जिस तरह से लाडली बहना योजना ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया, जो इसमें एज का जो इन्होंने नियम बनाया 23 से 60 बरस का, जबकि हमारे देश की आज औसत आयु 65 साल हो गई, और सीनियर सिटीजन जो महिलाएं वृद्ध होती हैं, वृद्धाएं होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा सम्मान निधि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में इसका कोई तुक समझ में नहीं आता कि 60 बरस के ऊपर की महिलाओं को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा, और 23 साल से कम उम्र की महिलाओं को, बहनों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरह से नियमों को बहुत पेचीदा बनाकर लाडली बहना योजना को हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं उसका लाभ ही नहीं ले पा रही हैं, तो ऐसे में जो नारी सम्मान योजना कांग्रेस लेकर आई है, जिसका कांग्रेस ने संकल्प किया है, उस पर हम सबका विश्वास है कि वो एक तरह से आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कारगर साबित होगी। दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें, तो क्योंकि हम एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हैं, ये सरकार इस बात को लेकर के सब तरफ प्रचारित करती है कि पेशा कानून के अंतर्गत नियमों को बनाया गया, लेकिन इसमें तीन बहुत बड़ी कमियां हैं। एक तो पेशा कानून इसलिए लाया गया था कि इसमें प्रशासन के स्थान पर जो सामुदायिक अधिकार आदिवासी जनसमुदाय के हैं, जल जंगल जमीन के अधिकार हैं, पर्यावास के अधिकार हैं, वो नैसर्गिक अधिकार उनकी सामुदायिकता पर ही टिकी रहे, उससे हट करके अब वापस से प्रशासनिक अधिकारियों पर सारे अधिकार चले गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के परासिया से आज ये नारी सम्मान योजना प्रारंभ की है, अभी प्रारंभ हो चुकी है, वहाँ पर 11 बजे का टाइम था। तो ये पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना आज लागू हो रही है। आज से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके महिलाओं के फॉर्म भरवाएंगे। आज सांकेतिक रूप से सभी महिलाएं यहाँ से भी फॉर्म भरेगी और ये सिलसिला पूरा चलेगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंदसौर की पूर्व सांसद और हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और आगर जिले की प्रभारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी मौजूद हैं, जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्वेता मोनिया जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा सोनल भाबर जी और हमारे संगठन मंत्री जसवंत जी, हमारे संभागीय प्रवक्ता साबिर भूपेन जी मौजूद हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम मीनाक्षी नटराजन जी आपको संबोधित करेगी, तत्पश्चात डॉक्टर विक्रांत भूरिया आपको संबोधित करेंगे।